गुड मॉर्निंग बेटा, कंटिन्यू विद द रिवीजन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंटीजर्स। चैप्टर नेम लिख दो, इंटीजर्स। फर्स्ट एक्सरसाइज वी डिड यस्टरडे, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.2। फर्स्टली वी विल डू ऑल द एक्सरसाइज, देन वी विल स्टार्ट विद द एग्जांपल्स एंड ट्राई दीस। स्टार्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, डोंट स्किप एनी पार्ट। स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट। This exercise little bit we had started yesterday. Do it, hurry up. Try to take always small examples. चलो कर दो आप, अगर आपको आता है तो कर दो। वैसे मैं आपको बताऊं, हमेशा छोटे examples ही frame करने चाहिए। Six आएगा बेटा, माइनस 13 प्लस 6 करोगे तब जाके माइनस 7 आएगा। माइनस 7 आएगा। एक स्मॉल एग्जांपल फ्रेम करो, स्मॉल 1, 2, 3 ऐसे स्मॉल नंबर लेके। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज अगेन फाइंड द टू इंटीजर्स हूज डिफरेंस इज माइनस 10। यस गुनीत, यस मैम। मैम प्लीज बच्चों को कह दो कि आते ही पहले वाला सम ना रेस कर दिया करे, अभी नोट भी नहीं किया था, साइड पे कर लिया। बेटा नोट करने ही क्यों है, नोट करने ही क्यों है, आप अपने आप करो। नोट क्यों करने है, मैंने तो करवाए हुए पहले सारा कुछ, नोट थोड़ी करने है, ये तो प्रैक्टिस के लिए है। आप अपने आप करो, आप अपने एग्जाम्पल फ्रेम करो, नोट नहीं करने यहाँ से। नो हम पहले तो सब कुछ कर ही चुके हैं, ये तो रिविजन पार्ट है। रिवीजन में यू हैव टू फ्रेम योर ओन एग्जाम्पल्स। चलो नहीं रब करेंगे, लेकिन आप अपने आप करो। सात्विक इसमें दो इंटीजर्स क्या होंगे, करो करो करो। हाँ जी रब मत करना, सी पार्ट करो। राइट द टू इंटीजर हूज सम इज 0। 0 है ना, सम 0।
अच्छे से रब करो। डिफरेंस इज 8 वी वॉन्ट, दो नंबर जिनका डिफरेंस 8 आए, 10 माइनस 2 नेगेटिव लेने हैं। लेकिन ये चाहिए पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव चाहिए इसका मतलब ये है कि यहां पे आपने छोटा इंटीजर लेना है -1 और यहां लेना है, ठीक है, ये पॉजिटिव। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल गिव यू पॉजिटिव 8, और फ्रेम कर लो -2 माइनस ऑफ 8 मिल रहा है यहां से, ठीक है। दीज आर द टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8। रब मत करना। सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट। You have to write a pair of integer, a negative and a positive whose sum is -5. Yes. Ma'am, -6 + 1. Yes. -6 and 1. Yes. Anyone else who want to tell me the answer of this? We want a negative and a positive integer whose sum is -5. Yes, -15 + 10. Ma'am, -7 + 2. Yes, means you will take one positive and one negative. आपको negative में answer चाहिए तो बड़े वाले का negative sign होना चाहिए। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेना है, वन पॉजिटिव लो और सम बनना चाहिए -5, आंसर -5 आना चाहिए। जाओ, गलत कर रहे हो। सम सम निकालना है, -6 + 1, -7 + 2, -8 + 3, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, -10 + 5, -15 + 10, इज इट ओके? बच्चे यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू राइट द पैटर्न। और लिखो, एक और लिखो, बस यही है। मैम यस
मैम माइनस फोर प्लस वन आ सकता है? नहीं बेटा, डिफरेंस है ना, डिफरेंस इसके, ये भी तो आ सकता है। पहले माइनस वन था, टू था, अब माइनस टू और वन भी तो हो सकता है। ये दो आंसर है इसके, माइनस वन टू, माइनस टू वन, इनका डिफरेंस जो है वो क्या आएगा, माइनस थ्री। माइनस टेन माइनस सेवन, बेटा माइनस टेन माइनस सेवन तो इट विल गिव यू माइनस सेवनटीन, बट वी वॉन्ट माइनस थ्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी डन, क्वेश्चन नंबर थ्री, उधर से चौक में। क्वेश्चन नंबर थ्री, given, you will find the sum of total score of team A, then team B, right? Capital A, capital B for the team. Small A, small B. Capital A, B. Yes, both team A and team B score same. Who score more? They score equal. Yes. Done. Start next question.
क्वेश्चन नंबर फोर। Read out the next question. Thanks, Ardil. Okay. Thoda center pe likho. Likho part. माइनस फाइव प्लस माइनस एट इज इक्वल टू माइनस एट प्लस डैश। यस, हु विल टेल मी द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? माइनस फाइव आएगा बच्चे, माइनस फाइव। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ए प्लस बी या बी प्लस ए, दोनों सेम होते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अगर एड की जगह मल्टीप्लाई हो जाए यहां पर, अगर यहाँ एड की जगह मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ पे तो बन जाएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर डिवीजन हो जाए तो ऑफ डिवीजन। डज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर डिवीजन? एक्चुअली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, बट डजंट होल्ड फॉर डिवीजन एंड subtraction. But closure property holds for all the four operation. What is closure property? Closure property कौन सी होती है? Means on addition two rest two integers will give you integers. अगर आप दो integers को add करते हो तो answer integer मिलता है, दो integer को minus करते हो तो integer मिलता है, दो integer को multiply करते हो तो integer मिलता है, दो इंटीजर को डिवाइड करते हो तो इंटीजर मिलता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर ऑल द फोर ऑपरेशन, बट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बट डजंट होल्ड फॉर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, और ये बताना है डज इट होल्ड और नॉट? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन मतलब a माइनस बी करो या b माइनस ए करो, सेम होते हैं? वन में से टू माइनस करो या टू में से वन माइनस करो, सेम होते हैं? ठीक है, एग्जाम्पल दो, लिखो एग्जाम्पल। यस खुशी, कैन यू गिव एग्जाम्पल? जसलीन, आरुष, अक्षित, यस एनी वन हु कैन गिव एग्जाम्पल टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन? Yes, anyone? Arpita, Aryan, only Drishti is there in the class, rest all are sleeping. Yes, Drishti? Ma'am, 4 plus minus 2. बेटा, आई एम आस्किंग अबाउट सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन के लिए। आप तो प्लस की बता रहे हो। मैम प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 माइनस 2। बीच में नेगेटिव आना चाहिए, सेंटर में नेगेटिव आना चाहिए। ओके मैम। एट माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री एंड फाइव माइनस एट इज इक्वल टू माइनस थ्री। एट माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री एंड फाइव माइनस एट इज इक्वल टू माइनस थ्री। एट माइनस फाइव की है और फाइव माइनस एट का है, तो सेम नहीं आएगा, ये पॉजिटिव आएगा ये,
नेगेटिव आएगा, ठीक है। देखो इधर, जैसे इजी, सबसे इजी ये है, वन माइनस टू, टू माइनस वन, ठीक है, आर दे इक्वल? नो। तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, डज इट होल्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन? यस, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। चलो एग्जाम्पल लिखो मल्टीप्लाई का, दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, देखो सेम आंसर आता है। हरी अप, हु विल टेल मी द एग्जाम्पल? यस, मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल नीचे करो। सिंपल नंबर बोलो बेटा, क्यों इतना माइनस में क्यों ले रहे हो? ठीक है, एक मिनट, माइनस सिक्स। यस सानिया, जलश, ओके। यस जलश, वन इंटू टू, टू इंटू वन, टू थ्री जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, सेम होता है ना? तो यस, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन। यस जलश, माइनस टेन इंटू टेन एंड टेन इंटू माइनस टेन, ठीक है। यस, डज इट प्रॉपर्टी होल्ड फॉर डिवीजन? डिवीजन के लिए होल्ड करती है? नो, नहीं करती। एग्जाम्पल दो। यस लक्ष्य, यस लक्ष्य बोलो। यस मैम, मैम सिक्स डिवाइडेड बाय टू इज नॉट इक्वल टू टू डिवाइडेड बाय सिक्स। यस, तो प्रॉपर्टी डजंट होल्ड फॉर डिवीजन। सबसे इजी, वन डिवाइडेड बाय टू इज वन बाय टू एंड टू डिवाइडेड बाय वन इज टू, आर दे सेम? नो। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड फॉर डिवीजन। नाउ राइट एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, लेकिन लिखने आपने एग्जाम्पल, एंड यू विल टेल मी विल इट होल्ड फॉर ऑल ऑपरेशन और नॉट। ये मैंने प्लस की लिखी है, आप दो नंबर, तीन नंबर ले लो, वन टू थ्री, वन टू थ्री, इनको ऐड करो, फाइव आ गया से, ठीक है। तो यस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एडिशन। नाउ विल इट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन? टेक सेम एग्जांपल एंड चेंज द साइन, चेक करो सेम आता है या नहीं आता। यस दृष्टि बोलो क्या हुआ? मैम नहीं करती होल्ड। कैन यू गिव एग्जांपल? कैन यू गिव एग्जाम्पल? मैम अगर हम इस एग्जाम्पल को लेंगे तो फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर और थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। बेटा डोंट टेक सेम नंबर, डिफरेंट नंबर लेके चलो, टेक डिफरेंट नंबर्स, थ्री फोर फाइव, सेवन एट नाइन, टू थ्री फोर, कुछ भी ले लो ऐसे, टेक स्मॉल नंबर्स। ओके मैम। Yes. Done. आओ सात्विक, do the same for subtraction. Give example for subtraction and tell me is it hold? Yes.
जीरो तो नहीं आ रहा, दोबारा सॉल्व करो, जीरो नहीं आएगा। यस लक्ष्य, मैम टू, मैम इसका भी टू है। मैम यहाँ पर टू आना, माइनस टू नहीं आना। ये रॉन्ग किया है, माइनस माइनस लिखो, वन प्लस वन हो जाएगा नीचे वाले स्टेप में। हाँ नहीं बेटा, स्टेप मत मिस करो ना, स्टेप टू से पहले क्या आएगा, एक स्टेप और आएगा। माइनस 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 प्लस करो ना फिर। हाँ जी, आर दे सेम? नो, आंसर्स आर डिफरेंट फॉर बोथ द साइड, सो दैट मींस प्रॉपर्टी डजंट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? Associative property doesn't hold for subtraction. Will this property hold for multiplication? Chalo, karo solve. Come. Give example for multiplication. Attendance over. बच्चे ये आप कौन सी प्रॉपर्टी कर रहे हो? दो वाली कॉम्यूटेटिव होती है, ये एसोसिएटिव नहीं है। जाओ, वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, वन टू जा टू इंटू थ्री सिक्स। थ्री नंबर्स वाली एसोसिएटिव होती है, एंड इफ यू आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ टू नंबर्स देन दैट विल बी कॉम्यूटेटिव, दे आर सेम, तो यस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन। नाउ सॉल्व इट फॉर डिवीजन, गिव एग्जाम्पल फॉर डिवीजन। विल इट होल्ड? Will this property hold? Yes, Sanya. Does this property hold for division? Jalash. Sanya, yes. No, ma'am. Can you give example? Yes, who will give me example? Yes, ma'am. This property doesn't hold for division. Harsha, can you give example of division? Always try to take small numbers. M 1 divided by 2 divided by 3 is equal to 3 over 2.
बोल के लिखो। No, no, 1/3. Answer not visible. उसके साइड पे लिखो, राइट साइड पे। हाँ लिख दो। हाँ, आर दे सेम? नो, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर गेटिंग 3/2, ऑन द राइट हैंड साइड वी आर गेटिंग 1/6. तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड फॉर डिविजन. Yes, can you write formula for distributive property of multiplication over addition? Who will write the formula of distributive property of multiplication over addition? A multiply by B plus C is equal to A multiply by B. A multiply, बीच में साइन आएगा पॉजिटिव, A मल्टीप्लाई बाय सी. सो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन.